देखिए हेलो गाइस, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारे आपका बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है, बहुत कोई को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, बजट कॉन्स्टेंट गिवन है, हमें कॉमोडिटी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन अपने नोट कॉपी से लिखा हुआ, मतलब मैंने बुक से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने जो बुक पढ़ा था बीए में, ठीक है, उसी बुक से क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो बीए के लिए हम लोग स्पेशल एक बुक था न्यूमेरिकल्स का, जिसमें कि हम लोग जितने भी हैं चैप्टर्स, प्रोडक्शन फंक्शन वगैरह जो भी चैप्टर्स थे, सारे के न्यूमेरिकल्स हम लोग ने उसी बुक से किए थे अपने, जब भी हम लोग ने ग्रेजुएशन किया, बीए किया था। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा यूटिलिटी फंक्शन पे है, तो आपको सबसे पहले नोटिस ये करना है, जो भी चीजें गिवन है उसको लिख लीजिए। हमें यूटिलिटी गिवन है, यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, जिसका वैल्यू है u इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स वन एक्स टू, ठीक है। बजट कॉन्स्ट्रेंट गिवन है, लिख लेते हैं इसका वैल्यू 60 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 60, ठीक है। तो अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, 2x1 प्लस x2 ये इधर आएगा, तो -60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा बजट कॉन्स्ट्रेंट का हम लोग ने ये थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये वाला इधर करके वैल्यू करके यहाँ पे हम लोग ने 0 कर दिया। अब हम लोग यूजिंग मल्टीप्लाई, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यू प्लस लेमडा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू का वैल्यू क्या आपका यू के जगह पे हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे 4 अंडर रूट एक्स वन एक्स टू प्लस लेमडा और 0, देखिए 0 है ना, तो 0 इज इक्वल टू ये पूरा वैल्यू 2x1 प्लस x2 माइनस 60, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 प्लस लेमडा 2x1 प्लस लेमडा x2 माइनस 60। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट करना है, मतलब कि अगर हम लोग मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, मैंने अपनी कॉपी में भी किया हुआ था, ठीक है, इस क्वेश्चन को, तो ये हम लोग ने खुद ही से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर यहाँ पे हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं, देखिए ब्लैक से कर देंगे तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, ठीक है। ये आपका बजट कॉन्स्टेंट है, ये आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ दूसरे में x2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू आपका क्या है, वैल्यू आप किसको इसमें डिफरेंशिएट करें, तो आप u को डिफरेंशिएट करें, तो u का वैल्यू क्या है, ये वाला इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। देखिए अभी आप क्या करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग ने लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज किया है, तो हम लोग ये पूरा वैल्यू को, ये हमारा ये पूरा वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है। आप देखिए जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर 4
ठीक है, यहाँ पे नीचे में आपका आएगा ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इतना तो हम लोग ने इतना का डिफरेंशिएशन किया, अब आपको ये सबका करना है। तो देखिए यहां पर देखिए लैम्डा और टू बाहर निकाल देते हैं, डी एक्स वन इतना हो गया, प्लस यहां पे होगा आपका प्लस लैम्डा माइनस, इसका अगर हम कुछ भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ये क्या है, ये आपको समझ में आ गया कैसे मैंने किया, सिंपल मैंने ये u का डिफरेंशिएशन किया, इसके बाद लैम्डा 2 dx 1 का किया है, उसके बाद dx 2 का मतलब ये 2 फंक्शन है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे देखिए x1 है, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब लोग यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा है तो इसको आप लोग ऊपर में सॉल्व करते देखिए क्या होगा, मैं यहाँ से करती हूँ। देखिए यहाँ पे 4, ये वाला 4, इसके बाद नीचे में होगा 2, ठीक है 2 आपको समझ में आ गया, इसके बाद होगा अंडर रूट एक्स वन एक्स टू, क्लियर हुआ। अब देखिए इसको हम लोग कर चुके हैं, यहाँ वाला करेंगे, ये वाला तो हम लोग x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बचेगा x, यहां पे करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे कौन सा साइन था आपका, प्लस का साइन था, तो बचेगा लैम्डा 2 लैम्डा, देखिए या लैम्डा 2 बात देखिए, इक्वल टू इसका, इसमें x1 है ठीक है, नीचे में ऊपर में x2 है तो 0, यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी 0 होगा, इसलिए मैंने ये सब का नहीं लिखा, ये दोनों का इसका वैल्यू भी 0 होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये वैल्यू आ गया, ये आप काट दीजिए क्या बचेगा 2, ठीक है, मतलब कि 2x2 अपॉन अंडर रूट x1 x2, ठीक है, और 2 लैम्डा है, इसको आप इधर लिखेंगे तो माइनस 2 लैम्डा, ये आपका है इक्वेशन 1। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 निकालेंगे, तो सिंपल आपको यही करना है, आपको x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अब हम लोग सेकेंड क्या होगा, du dx2 इक्वल टू 0, ठीक है, U का वैल्यू क्या है हमारा, ये पूरा वैल्यू जैसे हम लोग ने किया वैसा सेम होगा, पूरा वैल्यू करना होगा। तो देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, मैं बताती थी, मतलब डी ठीक है, ये वाला पूरा लिखिए 4 अंडर रूट x1 x2, नीचे में होगा x1 x2, ठीक है, अब हमारा डी अपॉन dx 2, ठीक है, x1 x2, ठीक है, यहां तक हम लोग लिख लिया। अब लोग ये सब वैल्यू को करेंगे डिफरेंशिएट, तो अभी देखिए ये वाला में x1 है, इसमें है x2, तो होगा लैम्डा 2, ठीक है, इसके बाद होगा प्लस का साइन लैम्डा dx और माइनस, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया, सेम टू सेम है,
बस x1 के जगह पे आपका x2 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको x2 के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे दो है देखिए, एक फंक्शन x1 है दूसरा x2, इसलिए दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार x1 के रिस्पेक्ट में एक बार x2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे, 4 बहुत ध्यान से करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, नीचे में रख लें 4 2, यहाँ पे होगा आपका अंडर रूट, देखिए ये वाला भी 60 लेमडा है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है x1 x2, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर सॉल्व मैंने किया यहाँ पे, तो हमारा निकला सिर्फ लेमडा, यहाँ पे x2 सेम था, ठीक है, तो 1 हो गया, यहाँ पर कहीं भी x2 नहीं x1 है, तो यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आया यहाँ पे, 2, यहाँ पे हमारा वैल्यू है 2x1, ठीक है, प्लस लेमडा, इसको आप इधर कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस में, ठीक है। इतना सॉल्व हमारा हो गया, ये आपका क्या है, 2 आया इक्वेशन। इक्वेशन 3 भी आपको करना होगा, तो देखिए क्या हुआ, इक्वेशन 3 आपका, इक्वेशन 3 इज आपका, यहाँ पे हम लोग छोटा सा कर देते हैं, 2x1 प्लस x2, आपने किया था -60, ठीक है, जो कि हम लोग को यहाँ पे मिला था कुछ यहाँ, ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन में भी है, 2x1 2x2 इक्वल टू 60, ठीक है, इक्वल टू 60, ये आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तीन इक्वेशन आपका हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है, सिंपल है, इक्वेशन 1 डिवाइड करेंगे इक्वेशन, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन हो जाएगा। देखिए 1 आपका क्या है, ये वाला वैल्यू, मतलब कि 2x2 अंडर रूट x1 x2, ठीक है, ये आपका 1 है, और यहाँ पे x1 x2, और यहाँ पे होगा आपका 2 लैम्डा, यहाँ पे 2x1 और अंडर रूट x, सॉरी माइनस लैम्डा। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये वाला आपका पूरा कट गया, ये वाला आपका पूरा कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, आपका क्या बचा, x2, ये देखिए ये लेमडा, ये लेमडा खत्म, ये माइनस, ये माइनस खत्म, क्या बचा, x2 upon x1 is equal to, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x2 equal to 2x1, ठीक है, तो क्या होगा, x1 is equal to x2, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो आपका यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या आया, x1 का वैल्यू है x2 upon 2, ठीक है, ये आपका x1 का वैल्यू आया है x2 upon 2। अब आपका बहुत सिंपल है, कुछ भी काम नहीं है, देखिए 2x1 ठीक है प्लस x2 equal to 60, जो वैल्यू आपका यहाँ पर x1 का आया है x2 upon 2, इसको आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, एक सेंटेंस अपने से जोड़ लीजिएगा कि आप वैल्यू रख रहे थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, 2, अब हम देख रहे हैं x1, ठीक है, x1 का वैल्यू क्या है, x2 upon 2 प्लस x2 equal to 60, ठीक है, ये कट गया, तो क्या बचा, x2 plus x2 equal to 60, दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 2x2
इक्वल टू 60, मतलब x2 का वैल्यू क्या आया 60 अपॉन 2 मतलब 30, ये आपका x2 का वैल्यू आया। ठीक है, x2 का वैल्यू क्या है 30। अब x1 का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो x1 का वैल्यू अगर हमें निकालना है सपोज करिए, तो आप देखिए ये वाला इक्वेशन है x2 अपॉन 2 मतलब कि 30 अपॉन 2 15। तो देखिए आपका x1 का वैल्यू क्या आया, x1 का वैल्यू 15, x2 का वैल्यू क्या आया, x2 का वैल्यू 30। देखिए यहाँ पे जो हमें निकाला हुआ है x1 का वैल्यू 15, x2 का वैल्यू 30। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये आपका बड़ा क्वेश्चन था, पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एक बार मैंने नेट के पेपर में ये क्वेश्चंस देखा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चंस मैंने किया है। बाकी अगर आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद 2-3 साल पहले जब किया था तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का पेपर होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो आपके लिए ये हेल्पफुल है। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें कि मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगते हैं और जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट रेडी किया, उसमें मैंने इस तरीके के जो क्वेश्चंस मैं दो तीन दिनों से कर रही हूँ उसको मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप उसे देखेंगे तो आपको हेल्प होगी। और भी आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो। तो अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।